हेलो एवरी वन आम मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्न वेल विद तारिक सर टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ न्यू वीडियो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेन फ्रॉम इंग्लिश एन सी आर टी बुक फर्स्ट फ्लाइट दिस इज द पोम नेम्ड अमंडा रिटन बाई रॉबिन क्लीन रॉबिन क्लीन द्वारा ये पोम लिखी गई है जिसमें उन्होंने अमंडा के दुख दुख को व्यक्त किया है जिसमें अमंडा को यह लगता है कि उसकी फ्रीडम कर्टेल कर ली गई है उसे उसके पेरेंट्स और उसकी माँ स्पेशली बार बार टोकते हैं कि ये करना है ये नहीं करना है कुछ काम के लिए उसे मना कर देते हैं तो इसे लगता है कि उसकी फ्रीडम कर्टेल कर ली गई है लेकिन एक्चुअली उसकी माँ उसको अमंडा को एक बेहतरीन सिटीज़न बनाना चाहती है उसे सोसाइटी और और समाज के लिए एक बेहतरीन लड़की बनाना चाहती है इसलिए वो उसे टोकती हैं सिखलाने के लिए ताकि उनकी बच्ची बेहतरीन मैनर को सीख सके गुड मैनर के साथ लैस हो सके लेकिन अमंडा को ये लगता है कि उसे बार बार टोका जा रहा है तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए कि अगर उन्हें बार बार ठोका जा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग उसकी आज़ादी को ख़त्म करना चाहते हैं बल्कि उन्हें गुड सिटीज़न बनाना चाहते हैं और पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो गुड मैनर्स सीखता जाएगा एक ही दिन में सारी चीज़ें हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे अगर हम सिखाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा ऐसा फील करेगा वो नर्वस हो जाएगा और कुछ भी नहीं सीख पाएगा तो आइए इस फोम को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो आइए इस फोम को स्टार्ट करते हैं वर्ड बाई वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे पोइटिक डिवाइस को भी हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन सी डिवाइस इसमें यूज़ हुई है इस फोम के अंदर ये पोम इस पोम के अंदर सात स्टैन्जा हैं पहला स्टैन्जा उसकी माँ का है दूसरा खुद अमंडा का तीसरा उसकी माँ का चौथा मंडा का पाँचवा उसकी माँ का सातवां मंडा का और आठवां उसकी माँ का जो स्टैन्जा ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो उस अमंडा का है और विदाउट ब्रैकेट वाला उसकी माँ का है आइए इसको हम शुरू करते हैं एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी एंड ही इज़ कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर हर बच्चे को ऐसा फील होता है कि उसे कंट्रोल किया गया है या उसे आज्ञा दी जाती है हुक्म दिया जाता है एक चीज़ करने का ना कि दूसरी यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल आपको भी ऐसा फील होता होगा कि आप की फ्रीडम कर्टेल कर ली गई है आप ऐसा फील करते होंगे राइट डाउन सम ऑफ द थिंग यू वॉन्ट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नाट अलाउ यू टू कुछ ऐसी चीज़ें लिखिए जिसे आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स आपके एल्डर्स बड़े वो आपको अलाउ नहीं करते हैं वो आपको इजाज़त नहीं देते हैं वो करने की टू रेड द पोम अलाउड स्पोम को अलाउड पढ़िए तेज तेज पढ़िए फॉर्म पेयर्स और जोड़ी बनाइए ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंज़ा, हर एक अलग अलग स्टेंजा की को रीड करे पढ़े यू आर इन फोर अ सरप्राइज़ आप भी अचंभे में पड़ जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे, तो आइए अब इस पोम का को शुरू करते हैं डोंट बाइट योर नेल्स Amanda. डोंट हंच योर शोल्डर Amanda. स्टॉप द स्लॉचिंग एंड सिट अप straight, अमंडा अपने नाखून बाइट मत करो अमंडा बाइट मतलब काटना तो बहुत से बच्चों की आदत होती है कि वो अपने नेल्स को अपने दांतों से अपने टीथ से काटते हैं तो उसकी माँ उसको सिखला रही है कि अमंडा ऐसा ना करो अपने नेल्स को बाइट मत मतलब करो डोंट हंच हंच मीन्स टू बेंड द अपर बॉडी फॉरवर्ड ऊपर के हिस्से को आप ऊपर की बॉडी को झुकाना तो इससे जो रीढ़ की हड्डी है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है और ये स्मार्ट स्मार्टनेस उसमें ख़त्म हो जाती है इसलिए उसकी माँ उसको कह रही है अमंडा अपने शोल्डर को आगे की तरफ झुकाओ मत स्टॉप द स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट स्लाउचिंग मीन्स टू मूव लेजिली आप कह सकते हैं कि आलसी आदमी की तरह बैठना तो उसकी मां कहने है कि आलसी आदमी की तरह मत बैठो और बल्कि सीधे बैठ जाओ अप स्ट्रेट सीधे बैठ जाओ अमंडा अब अमंडा को क्या लगता है वो कह रही है देर इज अ लैंग्विट इमर सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अमरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लीसफुली वो कहती है कि लैंग्वेज का मतलब होता है रिलैक्स खामोश इमरइल्ड ये ग्रीन स्टोन है जो स्टोन जो आमतौर पर अंगूठी में लोग लगाते हैं उस तरह का एक पत्थर है इब्रैल्ड और वो सी की तरह है समंदर की तरह तो वो कह रही है कि समंदर की तरह एक खामोशी हो हो द सोल इन्हेबिटेंट इज़ मी और जहाँ सिर्फ मैं अकेला इन्हेबिटेंट मतलब निवासी सोल मींस इकलौता जहाँ इकलौती निवासी सिर्फ मैं हूँगी अमरमेड अमरमेड जल जलपरी हाफ़ वमेन एंड हाफ फिश वो एक मरमेड की तरह वहाँ होगी ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली ड्रिफ्टिंग मीन्स स्लोली ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली जो स्लोली धीरे धीरे बहेगी ख़ुशी खुशी तो अमंडा ये कह रही है कि मैं इमराड सी में जहाँ बिल्कुल रिलैक्स होगी खामोशी होगी शांति होगी वहाँ मैं रहूँगी एक जलपरी की तरह और वहाँ मैं धीरे धीरे उसमें बहती रहूँगी काश कि ऐसी कोई जगह होती अब उसकी माँ कह रही ये अपने मन में सोचती है अमंडा डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा क्या तुमने अपना रूम साफ़ कर लिया टाइडी मीन्स साफ करना आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमंडा मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था अपना जूता साफ़ करने के लिए अमन तो अब उसकी माँ उसको कह रही है कि अपना होमवर्क पूरा कर लो अपने रूम को साफ़ कर लो अपना शूज़ साफ कर लो जैसा कि आम तौर पर बच्चों से पेरेंट्स कहते हैं मा माएँ कहती हैं कि होमवर्क पूरा कर लो रूम को साफ़ रखो गंदा मत रखो जूते वगैरह साफ़ रखा रखा करो तो अमंडा को से जब ये बातें कही जाती हैं तो उसे लगता है कि उसे बार बार टोका जा रहा है उसकी फ्रीडम तो भाई करटेल हो चुकी है अब वो क्या कहती है आम एंड ऑर्फिन रोमिंग द स्ट्रीट मैं काश की मैं अनाथ होती और गलियों में फिरती रहती इधर का उधर उधर का इधर कहीं भी फिरती रहती कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं होता आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हशेड bare feet. पैटर्न मीन्स टू मेक पैटर्न निशान बनाना डस्ट मीन्स रेत एंड हशेड मीन्स क्वाइट खामे खामोशी एंड बेयर फीट मीन्स अनकवर्ड नंगे पाँव वो वो मैं गलियों में फिरती रहती और रेत पर सॉफ्ट रेत पर मैं बिल्कुल खामोशी के साथ पैटर्न बनाती निशान बनाती और नंगे पाँव होती नंगे पाँव मैं सब कुछ करती साइलेंस इज़ गोल्डन वो कह रही शांति और खामोशी ये गोल्डन है द फ्रीडम इज़ स्वीट और फ्रीडम आज़ादी ये बहुत ही मीठी चीज़ है स्वीट है बहुत ही अच्छी है तो मैं अगर ऑर्फिन होती तो मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता और जब रोकने टोकने वाला नहीं होता तो मैं आज़ाद होती और आज़ादी कितनी स्वीट होती है और जब कोई नहीं टोकता तो वहाँ खामोशी होती और ख़ामोशी गोल्डन है सोने की जैसी है ये उसकी थॉट हैं अमंडा के अब उसकी माँ क्या कह रही है डोंट ईट द चॉकलेट अमंडा अमंडा चॉकलेट मत खाओ रिमेंबर योर एक्ने अमंडा एक्ने मुहासे जो होते हैं पिंपल्स ड्यू टू ऑयली स्किन ऑयली स्किन की वजह से जो पिंपल्स और दाने निकल जाते हैं चेहरे पर उसे एक्ने बोलते हैं तो राइम रिम्बर योर एक्ने अमंडा अपने मुहासों का तो ख्याल करो उस पर दाने हैं तुम चॉकलेट खा रही हो विल यू प्लीज़ लुक एट मी वे नाम स्पीकिंग टू यू अमंडा क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ मैंने तुमसे कितनी मरतबा कहा कि जब मैं तुमसे बात करूँ तो मेरी तरफ देखा करो चॉकलेट मत खाया करो अपने एकने का अपने मुहासों का लिहाज करो उसकी वजह से कुछ मत खाओ और जब मैं बात करूँ तो तुम मेरी तरफ देखो ये अमंडा से उसकी माँ कहती है अब अमंडा इस पर क्या कह रही है ये देखिए आम रपुंजल आई हैव अ केयर मैं रपुंजल हूँ रपुंजल ये एक स्टोरी है रपुंजल नामी एक लड़की होती है जिसके बाल सुनहरे होते हैं और उसे एक विच जो डाइन होती है वो उसे उठाकर लेकर चली जाती है एक टावर के ऊपर रखती है और ये विच और डाइन को जब उस टावर पर चढ़ना होता है तो रपंजल के बाल जो सुनहरे बाल होते हैं वो इतने लंबे होते हैं कि वो लटका देती है अपने बाल टावर से नीचे और ये डाइन उसी के ज़रिए उस पर चढ़ जाती है ये स्टोरी इसकी है इसको हम लॉन्ग करेंगे तो काफ़ी काफ़ी लंबी हो जाएगी आप इसकी स्टोरी को यूट्यूब पर देख सकते हैं अवेलेबल है तो वो कह रही है कि काश मैं रपुंजर होती यानी टावर पर होती आई हैव नॉट अ केयर और मुझे वहाँ किसी की परवाह नहीं होती मुझे किसी का कुछ भी ख्याल नहीं करती लाइफ इन अ टावर स्ट्रिंक्ल एंड रेयर ट्रिंक्विल मीन्स काम पीसफुल शांत कहते हैं कि टावर की ज़िंदगी बहुत ही शांति वाली ज़िंदगी है एंड रेयर और रेयर का मतलब दुर्लभ है हर एक कोई ऐसा मौका नहीं मिलता कि वो खामोशी के साथ रहे और टावर पर रहे आई एल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर लेकिन वो कह रही है कि मैं अपने बाल को नीचे नहीं डालूँ अपने चमकीले बाल को कभी नीचे नहीं लटकाऊंगी कि मेरी माँ उससे चढ़कर वहाँ टावर पर पहुँच जाएगी मैं तो रपजर बनूँगी लेकिन मैं अपनी माँ को वो देखो वो डाइन से कंपेयर कर रही है अपनी माँ माँ को कि मेरी माँ डाइन है इसलिए मैं अपने बाल को लटकाऊंगी नहीं कि वो उसके जरिए उस पर चढ़ जाया करे तो ये ऐसा सोचती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस सल्किंग मींस रूठना टू बी अपसेट नाराज हो जाना तो अमंडा नाराज मत हो चिड़चिड़ी मत बनो अपसेट मत हुआ करो आर ऑलवेज सो मूडी तुम तो बहुत ही मूडी हो जो तुम्हारे दिल में आता है वही करती हो एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग यू एट यू अमंडा कोई भी सोच सकता है कि मैंने तुमको डांटा है स्कॉल्ड किया है मैं तुम्हें तंग करती रहती हूँ अगर इस तरीके से नाराज होकर बैठ जाओगी तो लोग ये समझेंगे कि मैंने तुमको डांट रखा है लेकिन ऐसा मत किया करो तो ये था इस पोम का एक्सप्लेनेशन जो हमने पढ़ा रोबिन क्लीन ने अमंडा और उसकी माँ के कन्वर्सेशन को इस तरीके से कैसे बयान किया है कैसे बेहतरीन तरीके से बयान किया है इसका एक्सप्लेनेशन हो चुका अब हम इसका पोइटिक डिवाइसेज देखते हैं तो सबसे पहले पोइटिक डिवाइस में हम देखते हैं राइम स्कीम राइम स्कीम में पहला है डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा डोंट हंच योर शोल्डर अमंडा स्टॉप दिट अप स्ट्रेट अमंडा तो सबसे पहले स्ट्रेंज का राम स्कीम है ए बी ए यह इसका रामम स्कीम है देखिए अमंडा अमंडा ए ए के जिसा सिमिलरिटी है तो ए स्ट्रेट यह अलग है बी हो गया अमंडा फिर ए हो गया तो पहले स्टैंडा के अंदर राइम स्कीम जो है वो ए ए बी, ए बी अब इसमें दो सी चीज़ देखें राइम स्कीम का मतलब होता है म्यूजिकल सिमिलैरिटी जो होती है कि एक वर्ड जिस पर वो लाइन ख़त्म हो रही है दूसरी लाइन भी उसी जैसी है या कुछ अलग है तो जो सिमिलैरिटी होती अगर वो है तो उसी तरीके से राइम स्कीम बनती है उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें दूसरी डिवाइस क्या है दूसरी डिवाइस इसमें है एनाफोरा एनाफोरा कहते हैं द रिपीटेशन ऑफ दर्ड ऐट दफ़ द टू आर मोर कन्जिव लाइन किसी भी वर्ड का रिपीटेशन इस्टार्ट में शुरू में दो या दो लाइनों में में जब हो दो या दो से ज़्यादा लाइनों में जब हो तो उसे एनाफोरा बोलते हैं तो यहाँ एनाफोरा क्या है यहाँ एनाफोरा है डोंट इसलिए कि डोंट एंड डोंट पहली और दूसरी लाइन में वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है लगातार दो लाइनों में तो ये हो गया जहाँ एनाफोरा उसके बाद दूसरी डिवाइस इसमें हम देखते हैं वो है एलिट्रेशन एलिट्रेशन बोलते हैं एलिट्रेशन इज़ द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सनेट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ द टू आर मोर कंजिव वर्ड एलिट्रेशन जो होता है वो वर्ड में होता है कि वर्ड लगातार आते हैं एक ही वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो यहाँ एलिट्रेशन क्या है ये देखिए एस साउंड बार बार रिपीट हो रहा है एस 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 एंड एस ये है एलिट्रेशन कॉन्सनेट साउंड का बार बार रिपीटेशन इसे बोलते हैं एलिट्रेशन उसके बाद तीसरी जो इसमें डिवाइस है वो है एजोनेंस एजोनेंस कहते हैं रिपीटेशन ऑफ दॉवेल साउंड अब देखें देखते हैं कि वॉवल साउंड का रिपीटेशन कहाँ है देखिए यहाँ दूसरी लाइन में डोंट योर शोल्डर तो ये देखिए रिपीटेशन है वॉवल साउंड का इसी को हम कहते हैं एजोन और चौथा है रिपीटेशन रिपीटेशन कहाँ है रिपीटेशन है अमंडा 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 जब किसी भी चीज़ पर जोर देना होता है फॉर पुटिंग इम्फेसिस के लिए बा रिपीटेशन डिवाइस को यूज किया जाता है तो ये हो गई पहली लाइन और अब हम देखते हैं दूसरे स्टेंजा को दूसरे स्टेंजा में राइम स्कीम है वो दूसरे स्टेंजा की राइम स्कीम है सी 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 इसलिए कि देखिए इमराइल सी मी एंड ब्रेसफुली तो एक ही जैसा साउंड है इसलिए यहाँ राइम स्कीम सी 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 है उसके बाद दूसरी डिवाइस इसमें क्या यूज़ हुई है दूसरी डिवाइस इसमें है मेटाफर मेटाफर है इमराइल्ड एंड सी में इसलिए कि जब दो चीज़ों को एक को कंपेयर किया जाए तो वहाँ डिवाइस उसे बोलते हैं मेटाफर यह एम्बराल्ड को सी से कंपेयर किया गया है इसलिए यहाँ जो डिवाइस है वो मेटाफर है तीसरा इसमें है इमेजरी इमेजरी इसलिए कि ब्लिसुली हैप्पिली उसे लग यहाँ इमेज एक बनाई गई है कि वो ख़ुशी ख़ुशी इस उस सी में तैरेगी तो यहाँ पोटिक डिवाइसेस है ये ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली ख़ुशी खुशी तैरेगी यहाँ पोटिक डिवाइस इमेजरी को यूज़ किया गया है हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी इन सारे इन सारे डिवाइस को बतलाया है अगर आप हमारी पिछली वीडियो भी देखे होंगे तो आपके लिए यह समझना बहुत ही आसान होगा अब आइए आते हैं तीसरे स्टेंजा को देखते हैं तीसरे स्टेंजा की राम स्कीम है ए, ए बी ए है इसकी राइम स्कीम इसलिए कि पहले में अमंडा दूसरे में अमंडा तीसरे में एस आखिर में आ रहा है और चौथे में भी अमंडा आ रहा है तो क्या हो गया ए, ए बी ए दूसरा इसमें क्या है एनाफोरा एनाफोरा इसमें कहाँ है जब दो या दो से ज़्यादा लाइनों दो, दो से दो या दो से ज़्यादा वर्ड में लाइनों में एक ही वर्ड का रिपीटेशन हो तो उसे बोलते हैं एनाफोरा यहाँ देखिए डिड एंड डिड यह है एनाफोरा तीसरी डिवाइस में क्या है एजोनेंस एजोनेंस बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ दी वॉवल साउंड यहाँ वॉवल साउंड का रिपीटेशन क्या है ओ ओ साउंड यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है देखिए थॉट टोल्ड यू टू योर शूज़ हर एक में वॉवल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है तो ये हो गया रिपीटेशन और चौथी डिवाइस इसमें रिपीटेशन है और वो क्या है अमंडा 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 को बार बार रिपीट किया गया है अब चौथे को देखते हैं चौथे में राइम स्कीम चौथे स्टेंजा की राइम स्कीम है सी 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 इसलिए स्ट्रीट फीट एंड स्वीट सारे वर्ड सिमिलर हैं इसलिए यही एक डिवाइस में यूज है सी 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 और दूसरा दूसरी डिवाइस इसमें जो यूज की गई है वो है मेटाफर। मेटाफर क्या है साइलेंस इज गोल्डन फ्रीडम इज स्वीट साइलेंस को कंपेयर किया गया है गोल्डन के साथ एंड फ्रीडम को कंपेयर किया गया है स्वीट के साथ तो ये मेटाफर है बस दो डिवाइस में यूज है एक तो राइम, दूसरे मेटाफर अब हम तीसरे डिवाइस को देखते हैं तीसरे उसके बाद वाले स्टेंजा को देखते हैं इसकी राइम स्कीम है ए बी ए अमंडा अमंडा यू अमंडा तो अमंडा अमंडा ए यू बी एंड तीसरी चौथी लाइन का जो अमंडा है उसके लिए ए और दूसरे इसमें एजोनेंस है एजोनेंस रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड ये देखिए यू वा ओ साउंड बार बार रिपीट हुआ है यू लुक टू यू तो ये दो डिवाइसेस में यूज हैं पहला राइम स्कीम और दूसरा एजोनेंस अब चौथी लाइन को हम छठे स्टैंडा को देखते हैं छठे स्टैंडा में जो राइम स्कीम है वहां भी सी 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 जैसे केयर रेयर एंड हेयर और दूसरी है इसमें एजोन सॉरी कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंस कहते हैं रिपीटेशन ऑफ दी कॉन्सोनेट साउंड तो कॉन्सोनेट साउंड का रिपीटेशन यहाँ क्या है आर साउंड यहाँ बहुत ही प्रॉप बार बार यूज हुआ है सेटेनली नेवर ब्राइट एंड हेयर तो देखिए आर आर ब्राइट में सेटैंडली में हेयर में एंड नेवर में आर साउंड यूज हुआ इसी को बोलते हैं कॉन्सोनेंस यानी रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड लास्ट स्टे को हम देखते हैं उसकी राइम स्कीम सेम है ए ए ए बी यू और दूसरा इसमें है एलिट्रेशन एलिट्रेशन क्या है फर्स्ट लाइन में देखें एस साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट यूज हुआ है स्टॉप सल्किंग ओके तो ये था इस पोम का की कीपोर्टिक डिवाइस और एक्सप्लेनेशन तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब चैनल करना इस चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ टिल देन टेक केयर एंड हैव फन